देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके देखिए। गुटखा मैं खाता था, गुटखा। झूठ क्या बोलना है, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं गुटखा खाता था और मेरा मुंह सिर्फ और सिर्फ बस इतना खुलता था, खाना भी अंदर नहीं जाता था। यहाँ तो छोड़ो, अभी तो ऐसे पूरा हाँ जा रहा है, लेकिन उस समय सिर्फ एक बता सकता हूँ आपको, एक पेन भी अंदर नहीं जाता था। पेन जो कलम होती है वो भी अंदर नहीं जाता था, इतनी तकलीफ होती थी मुझे। आप ज़रा सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आप गुटखा खाते हैं मज़े के लिए खाते हैं, हम सभी लोग खाते हैं मज़े के लिए खाते हैं, लेकिन उससे हमारे सेहत के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है ये सिर्फ आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन जिस इंसान के साथ हुआ है ना उसको पता है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसको पता है कि कितना नुकसानदायक है। मैं भाषण नहीं दूंगा आज आपको, कुछ तरकीबें बताऊंगा, नॉलेजेबल होगी, जिससे मेरे को फ़ायदा हुआ है और ये मेरा दोनों जबड़ा मतलब बिल्कुल साफ़ क्लीन और मतलब खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तरकीबें हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी कीजिएगा, अगर आपका मुंह बंद हो गया है या फिर गुटखा खाते हैं। नहीं भी बंद हुआ है तो अगर गुटखा खाते हैं तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मुंह में हवा लेना है, सांस इसको रोके रखना से। छोड़ दीजिए 5 सेकंड तक, फिर आप इधर को लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर आप इधर, मतलब ऐसे करते रहिए, कम से कम 10 बार कीजिए, 10 बार कीजिए। उसके साथ साथ एक मैं नया तरीका और बताता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे जो ठुडिया होती है, जॉइंट होता है, इसको इसको ऐसे दबा के, कुछ खाइए नहीं, सिर्फ मुंह को चलाइए ऐसे 20 बार, 20 बार गिनती करके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ायदा करता है। यदि आप गुटखा खाते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ मत खाइएगा गुटखा, ये बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही मुँह का कैंसर बना देता है। मतलब दांत में इतना दर्द होता है ना, आपको अभी मज़ा आ रहा है खाने में, अभी बहुत मज़ा आएगा, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जब एज आपका कुछ ढल जाएगा ना, ये मसूड़े सब कमज़ोर जब पड़ जाएंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यदि गुटखा खाते हैं तो मत खाइएगा, ठीक है। और तीसरी बात देखिए, इससे खाने से जो आँख होती है ना, ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, इसमें कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको जो झूठ सांच कुछ भी बोल के आपको दिखा दूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो आँख होते हैं ना, ये चीज़ जो आँख, ये आँख से धुंधलापन दिखता है। धुंधलापन मतलब क्या, मतलब कोई चीज़ आपको दिखेगा फिर उसी चीज़ को आप देखेंगे दोबारा तो आपको वो धुंधला दिखेगा, साफ नहीं, मतलब पूरा क्लीन नहीं दिखेगा, समझिएगा बात को। तो उससे ये भी दिक्कत आती है। तीसरे नंबर की, जब आप थूकते हैं, जब गुटखा खाते हैं और जब उसको पिचकारी मारते हैं, जब उसको थूकते हैं, तो जहाँ पे थूकते हैं वो तो जगह गंदा होता ही है, उसके साथ साथ आपका जो मुंह का जो लार है, मतलब जिससे हमारी बोलने की ताकत, मतलब शक्ति है, एनर्जी है, एक टाइप से आप बोल सकते हैं एनर्जी होती है, मुंह से जो लार है, जो खाने पचाने की शक्ति होती है, वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। फिर उससे हमको सेहत पे ये नुकसान होता है कि हमें भूख नहीं लगता है, हम खाना खाना चाहते हैं लेकिन बस जहाँ पे अगर 3-4 रोटियाँ खानी है ना, तो 2-3 रोटी में आपका मन भर जाता है। अगर ऐसा होता है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से मैं ये चीज़ आपको बता पा रहा हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अगर जीवन में मिला है तो कुछ तो अच्छा करके जाएंगे ना, मर तो जाना है एक दिन सबके, इस दुनिया को छोड़ के तो चला ही जाना है, लेकिन कुछ तो अच्छा करके जाएंगे ना। ये व्यूज और पैसे के लिए नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूँ किस तरीके से गुटखा नासूर बन जाता है अंदर अंदर ही अंदर, जो हमें पता नहीं लगता है। ऊपर से तो अभी कमेंट में कितने लोग होंगे जो जा करके अच्छे भले शब्द लिखेंगे, उनका तो आदत ही करने का, खैर कोई बात नहीं, उसके लिए हम कोई नहीं बोलता हूँ यार, जो मर्ज़ी करो आप, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना। अगर सच्चे इंसान है तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या आपको बता रहा हूँ।
तो जो जो चार एक्सरसाइज मैंने जो आपको बताया है वो कीजिएगा, और गुटखा मत खाइएगा, जर्दा मत खाइएगा, जर्दा खाते हैं तो उससे भी आप थूकते हैं तो उससे भी आपका लार निकल जाता है, मुझ से फिर नुकसान करता है, वो भी तो नुकसान ही करता है ना, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, सब कुछ तो नुकसानदायक ही है। तो इसको हम, मैं तो बंद नहीं करा सकता ना, लेकिन मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ जो घटना हुई है, जो तकलीफ़ें मैंने झेला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आप लोग झेलें। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और कमेंट में आप लिखिएगा कि आप गुटखा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, मर्जी तो आपकी है, लेकिन मुझे बता दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा छोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, एक स्वस्थ और सुरक्षित बनना चाहते हैं। बस यही कामना है आपसे, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद।